सीरियल उतरन से फेम हुई लीड एक्ट्रेस रश्मि देसाई की पिछली वीडियो जब हमने आपसे शेयर की तो आपको बताया था कि रश्मि देसाई किस तरीके से अपनी बीमारी की वजह से पुट ऑन कर चुकी हैं, मगर इस बात को रश्मि देसाई ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। एक्टर नंदीश संधू जो पिछली बार सुपर 30 में दिखे थे, डिवोर्स के बाद रश्मि ने इन 4 सालों में अपने आप को काफी ज्यादा संभाला है एंड शी इज अ सेल्फ मेड वुमन। आज हम रश्मि की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 सालों के इस ब्रेकअप के बाद रश्मि देसाई ने दोबारा अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि है एक्टर अरहान खान। TOI की माने तो अरहान और रश्मि एक दूसरे को पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं, जहां एवरीडे इनका बॉन्ड स्ट्रांग होता दिख रहा है। आइए आपको बता दें कि रश्मि अरहान से कैसे मिले। दरअसल ये इवेंट था प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की शादी का, जहां दोनों एक दूसरे से मिले और इंस्टेंटली दोनों ने एक दूसरे के लिए मैग्नीट्यूड फील किया और उसके बाद से ये रिलेशनशिप होता चला गया स्ट्रॉन्गर। लीडिंग डेली के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हाँ, ये दोनों काफी मैच्योर हैं और एक दूसरे के लिए वक्त निकालने के साथ साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी समझते हैं। ये दोनों इनफैक्ट इसी साल शादी करने के मूड में भी हैं। रश्मि अरहान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं, कहती हैं कि अरहान उनके लिए फैमिली की तरह हैं। वहीं अरहान रश्मि के इस सच को काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि रश्मि एक सेल्फ मेड वुमन है और वो लाइफ में जहाँ भी हैं वो अपनी मेहनत के बलबूते पर वहाँ पहुँची हैं। हालांकि इन दोनों ने अभी तक मीडिया के सामने और लोगों के सामने अपने रिलेशनशिप को सिर्फ फ्रेंडशिप का नाम ही दे रखा है। अरहान खान हमें टीवी शो बड़ो बहू में दिखे थे, वहीं इसके अलावा अरहान खान डायमंड मर्चेंट भी रह चुके हैं, जहां इन्होंने कुछ साउथ की फिल्में भी की हैं। वेल, खबरों की माने तो ये दोनों बिग बॉस का घर एक साथ ही एंटर कर सकते हैं, जहां रश्मि देसाई के एंट्रेंस की न्यूज हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। वहीं खबरें हैं कि अरहान से भी शो मेकर्स इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों शो में आते हैं तो ये नई लव स्टोरी को घर के अंदर देखना रियली इंटरेस्टिंग होगा, जो घर के टेंशन के माहौल में थोड़ा बहुत प्यार तो बिखेरेगा ही, एटलीस्ट हमारी यही उम्मीद है। फिलहाल रिश्ता टीवी का में इतना ही। अपने फेवरेट शो और स्टार से रिलेटेड अपडेट के लिए आप करें रिश्ता टीवी का को अभी सब्सक्राइब।